लोकसभा का चुनाव आखिरी दौर में है और विपक्ष ने सरकार बनाने के लिए गोटियां सजानी शुरू कर दी हैं। 23 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले पहले विपक्ष सारी रस्म अदायगी पूरी कर लेना चाहता है। मसलन ये कि प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे, गृह मंत्री फलाने बन जाएंगे और वित्त मंत्रालय ढिकाने संभाल लेंगे। वैसे प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष में लंबी रेस लगी है। नाम मायावती का भी है, नाम ममता बनर्जी का भी है और नाम चंद्रबाबू नायडू का भी है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि अगर एनडीए कुछ सीटों से पीछे रह जाती है तो पूरा विपक्ष राहुल के नाम पर सहमत हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू ने तो इसके लिए भागदौड़ भी शुरू कर दी है। पहले वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और राहुल से मुलाकात के बाद सीधे कोलकाता की फ्लाइट पकड़ ली। ममता बनर्जी से बातचीत हुई और अब ये खबर आ रही है कि 21 मई को विपक्ष के 22 दलों की बैठक की तैयारी शुरू कर दी गई है। 21 मई मतलब 23 मई से दो दिन पहले, तभी तय होगा कि प्रधानमंत्री के लिए किसके नाम पर मुहर लगाई जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू ने तो अपनी भूमिका निभानी शुरू भी कर दी है, क्योंकि सबको जोड़ने का काम वही कर रहे हैं इस उम्मीद में कि उन्हें भी कोई भारी भरकम पद मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।